ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत का पूरे क्रिकेट जगत में सलाम किया है। चाहे मोहम्मद सिराज हो या शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत, सभी ने सीरीज में अपने साहसिक प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद एक और नाम चर्चे में है और वो कोई और नहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान द ग्रेट वॉल राहुल द्रविड़ हैं। राहुल द्रविड़ को इस नई टीम का द्रोण कहना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं होगी। द्रविड़ के बिना इस नई टीम का नवनिर्माण असंभव था। इस सीरीज में भारतीय टीम अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में युवा खिलाड़ियों के भरोसे उतरी थी। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर इस सीरीज के स्टार बनकर उभरे हैं। इनकी कामयाबी के पीछे राहुल द्रविड़ की अपार मेहनत है। इन खिलाड़ियों को द्रविड़ ने अपनी कोचिंग के जरिए तराशने का काम किया है। अपने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिराज, सुंदर, गिल और शार्दुल ने धैर्य और विश्वास के बल पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिस कारण भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके गढ़ गाबा में मात दे पाई। इन खिलाड़ियों की गेम चेंजिंग प्रदर्शन के पीछे राहुल द्रविड़ की प्रणालीगत कोचिंग का भी हाथ है। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम का कोच बनने के लिए आवेदन करने की बजाय अंडर 19 और इंडिया ए टीम को कोचिंग देना बेहतर समझा, ताकि भारत के बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। इसका परिणाम इस सीरीज में देखने को मिला, जब नेट बॉलर के तौर पर सुंदर और नटराजन गाबा में अपना डेब्यू किया।